आएंगे। कहते जब उन्होंने चेला बनने की सलाह दी उस दिन के बाद फिर हमने उनके पास जाना ही बंद कर दिया। सुनते सुनते नाम सुना परम पूज्य बाबा श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का, उनका उनसे पूछे बोले तो जैसे उनके पास गए हमने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा भगत जी आपका तो जीवन अतिशय पवित्र है, बाल्यकाल से आप जिस महामंत्र का जप कर रहे हैं उससे श्रेष्ठ कोई दूसरी उपासना नहीं है, उसी महामंत्र का जप करें। उनको बताया तक नहीं था कि हम महामंत्र का जप करते हैं और उन्होंने कह दिया। बोले महाराज दीक्षा कर, दीक्षा की क्या आवश्यकता है, हृदय की श्रद्धा ही दीक्षा है, बस समर्पण हो गया चरणों में। अभी भी वे विराजमान है, बहुत अच्छी भजन में स्थिति है उनकी। वो कहते हैं कि हमने वर्ण कर लिया महाराज जी का सदगुरु रूप में। तात्पर्य कहने का यह है कि ये कोई सौदेबाजी थोड़ी है, पहले तुम दीक्षा लो तब हम तुमको कुछ देंगे। बोला दीक्षा लो पहले हमसे। बोले ठीक है महाराज हम दीक्षा लेंगे, सामान बताओ। बोले ठीक है ये ले आओ वो ले आओ चले जाओ, स्नान ध्यान करके आओ। जैसे हनुमान जी बावड़ी में गए, मकरी ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने मकरी को पछाड़ दिया, वो शाप मुक्त हो गई, अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। और उसने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं ये तो भयंकर राक्षस है। हनुमान जी तुरंत झटपट आए, बोले तुमको विलंब करना चाहता है, राम जी के कार्य में विघ्न डालना चाहता है। हनुमान जी आए बोले महाराज पहले ऐसा करो, आपका नियम ये है कि पहले गुरुदा देते हो बाद में ज्ञान देते हो, और हमारा नियम यह है कि हम दीक्षा पीछे लेते हैं गुरु जी को दक्षिणा पहले देते हैं। कहे अच्छा, बड़े उत्तम कोटि के शिष्य हो जो बिना दीक्षा लिए ही गुरु दक्षिणा समर्पित करते हो। हनुमान जी बोले पर हमारी दक्षिणा इतनी तगड़ी होती है कि साधारण गुरु उस दक्षिणा को पचाने में समर्थ नहीं होता है। लो दक्षिणा भर लंगूर लपेट पछारा, पूछ में लपेट करके धड़ाम से पटका और उसका उद्धार कर दिया कालनेमी का। इतना होता मरा नकली में, इसलिए कि ओहु कुवेश साधु सन मानू जिम जग जाम बंत हनुमानू लखि सुवेश जग बंचक जेऊ बेश प्रताप पूज यही तेऊ किंतु उघरही अंत ना होय निवाहु काल नेमि जिमि रावण राहु उघरही अंत ना होय निवाहु। पीपा जी के चरित्र में तो इतने कालनेमी हैं जिसका कोई, कई कालनेमियों का चरित्र है पीपा जी के चरित्र में। कितने कालनेमी वेशधारियों को इन्होंने सच्चा साधु बनाया, ऐसा ही कोई कालनेमी आ गया नाम साधु आ गया। पीपा जी कहते हे संत भगवान दास के लायक कोई सेवा बतावें, दास के लायक कोई सेवा बतावें। ये शब्द बोलते ही पूज्य मामा जी का स्मरण हो जाता है, कोई भी मिलता सरकार दास के योग्य कोई सेवा बतावें, सरकार कोई सेवा। संतों की भाषा होती है, शैली होती है, सब में भगवत भाव देखते हैं। पीपा जी बोले संत भगवान दास के लायक कोई सेवा। बोले सेवा तो है पर आप कर सको तो। पीपा जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान यह तन मन प्राण सब संतों का ही तो है, आज्ञा करें नाथ। कहे महाराज कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है। पीपा जी बोले अपनों से क्या संकोच, आप बिना संकोच के कहिए, जो भी मोबाइल लाए हो वे ऑफ कर दें। क्या कह रहे थे हम भूल गए, अपनों से क्या संकोच। हाँ, अपनों से क्या संकोच आप कहिए। बोला महाराज ऐसा करो ये जो आपके यहाँ जो वो साध्वी है ना सीता सहचरी जी, हमको बहुत जरूरी काम है, हमारे साथ इनको भेज दो केवल एक रात के लिए। पीपा जी बोले जो आज्ञा महाराज, ले जाओ तन मन धन सब संतों का है आप ले जाओ। सीता सहचरी जी से कहा कि ये आज्ञा दे रहे हैं एक रात होकर आप चली आओ। बच्चे को लेके पीछे बैठे आप। हाँ, पीछे बैठे। माइक लगाया जा चुका है कि पीपा जी के चरित्र में अति भक्ति की सीमा के चरित्र हैं, ये चरित्र अनुकरणीय चरित्र नहीं है और वस्तुतः सामान्य जीव अनुकरण कर भी नहीं सकता है, उसकी बुद्धि वहां तक नहीं जाएगी। पर इन अति भक्ति के चरित्रों में
आपके द्वारा कहीं भी सदाचार का मर्यादा का रंचमात्र भी अतिक्रमण नहीं हुआ है, अपितु इस अति भक्ति के चरित्रों के द्वारा न जाने कितने पतिताधम जीवों का परम कल्याण हुआ है, उद्धार हो गया। सीता सहचरी जी से कहा चली जाएं आप, जो आ गया चल पड़ी। अब ये महाराज बोलो एक नाम साधु एक निशी देहु तिया लेहु कही भागो संग, भगाने लग गया संग, तो संग भागी सीता बाम है, भागती गई। अब भागते भागते सुबेरा हो गया। आश्चर्य ये था कि उस कुटिल वेशधारी का निवास स्थान बहुत दूर नहीं था, वो तो सोचता था कि अभी घंटे डेढ़ घंटे हम पहुंच जाएंगे, पर घंटा डेढ़ घंटा की क्या चले, वो पूरी रात भागता रहा पर अपने उसको अपने घर ही नहीं पहुंच पाया। यहां लिखा है कि उसका गांव आ गया, घर आ गया, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि वो साधु नहीं था, नहीं तो साधु का तो आश्रम होता है, स्थान होता है, घर गांव थोड़ी होता है। इसका मतलब है वह कुटिल विषयी व्यक्ति केवल झूठ मूठ का साधु का दाढ़ी रखा लिया, लंबे चौड़े तिलक लगा लिया, बाना बना के आया था तो बहुत अच्छा है, पीपा जी तो किसी को मना करते नहीं, सीता सहचरी जी हमारे हाथ लग जाएंगी, इस कुटिल विचार से वह वहां आया था। पूरी रात भागता रहा लेकिन पहुंच नहीं पाया। कैसे? बोले जैसे औरंगजेब के सिपाही सैनिक हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर तोड़ने के लिए चलते रहे, तो मथुरा से वो चलते पूरे दिन चलते, रात हो जाती, इतनी दूर नहीं है दाऊ जी मथुरा से, पैदल चलने वाला 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा वहां, और पूरे दिन घोड़ों पर बैठकर सेना दौड़ती और शाम हो जाती तो पूछते कितनी दूर है दाऊ जी, बोले 8 कोस, मथुरा से दाऊ जी 8 कोस है, तो जब लौट के आते तो पूछते दाऊ जी कितनी दूर, बोले 8 कोस। 1 महीने तक सिपाही भागते रहे और रोज पूछते दाऊ जी कितनी दूर, बोले 8 कोस, दाऊ जी तक नहीं पहुंच पाए। ये भगवान लीला कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। पूरी रात हो गई, सुवेरा हो गया, सुवेरा हो गया तो श्री सीता सहचरी जी बोली संत भगवान आप जो स्वामी जी को स्वामी जी से वचन लेके आए थे वह तो पूरा हो गया, आप वचन लेके आए थे कि 1 रात के लिए आप भेज दीजिए इनको हमारे घर, तो रात भर तो चलते चलते पूरी हो गई, अब हमको जहां से लाए हो वहीं पहुंचा जाओ। बोला बस पास में ही है थोड़ा और चलो। बोले अब हम वचन की पक्की, अब हम नहीं यहां से टस से मस हो सकती। बोला महाराज बैलगाड़ी ले आवे पालकी ले आवे, आप तनिक रुके तो सही, मैं गांव से कोई वाहन की व्यवस्था करता हूं। जैसे ही वह कुटिल साधु गांव में गया तो क्या देखा, बोले प्रात भय चले ना ही रहने ही की आज्ञा प्रभु, चलो हारी आगे घर घर देखो ग्राम है। क्या देखा आकर उसने कि हर घर में सीता सहचरी जी है, कुआं पर पानी भर रही है तो सीता सहचरी जी, कंडा थाप रही है तो सीता सहचरी जी, बालकों को खिला रही है तो सीता सहचरी जी। जैसे नारद जी ने 16,108 घरों में हर घर में भगवान को किसी न किसी सेवा में प्रवृत्त देखा, ऐसे ही उस वेशधारी दंभी उस पाखंडी ने उस वेशधारी साधु ने हर घर में सीता सहचरी जी को देखा। अब तो वह समझ गया कि सीता सहचरी जी कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा जगन माता है, क्योंकि आप लोग सुन चुके हैं मनुजी साक्षात नारायण कांस हैं और शत्रुपाजी साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप हैं, और वे ही मनु शत्रुपा पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी के रूप में प्रकट होकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो मूल रूप में सीता सहचरी साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूप आई हैं, इसलिए अनंत रूप धारण करके वे गांव में खेलने लगी। अब तो जिस दिशा में देखे वृक्ष की ओर आकाश की ओर पृथ्वी की ओर जहां देखे वहां उसको सीता सहचरी जी दिखाई पड़ी, दिव्य तेजोमय स्वरूप भव्य लावण्यमय स्वरूप, देख कर एक वह चकित हो गया रोने लग गया। आयो वाही ठोर चलो माता पहुंचाए आवो, आवो वाही ठोर चलो माता पहुंचाए आवो, आए गए पाव भाव भयो गयो काम है, आए गए पाव भाव।
भयो गयो काम है। अब तो चरणों में पड़क बोले माता है जगन माता, आपको हम पहुंचा के आवे। अब आश्चर्य की बात है, जब पहुंचाने की बात कही तो पता ही नहीं चला, घंटा भर भी नहीं लगा और पीपा जी का स्थान गागरौनगढ़ और वो इस आश्रम निकट आ गया। अब तो बहुत रोया, रात भर भगाया और खुद भी भागे, तब तो ये दशा हुई। और कहां तक पहुंच गए होंगे पता ही नहीं, क्या माया है भगवान की। और अब थोड़ी ही देर में आ गए, तब आयो आयो पांव गए, पीपा जी के चरण पकड़ लिए, सीता शास्त्री जी के चरण पकड़ लिए। चरण स्पर्श करते ही भाव भयो, भक्त का दर्शन, भक्त का समागम, भक्त का स्पर्श सद्यः भगवत प्रेम का अभ्युदय कारक होता है, सद्यः भगवत प्रेम को प्रकट करने वाला होता है। आज भगवत प्रेम प्रकट हो गया, उस विषयी पुटल की विषय वृत्ति भाग गई, गयो काम है, वासना उसकी सदा सर्वदा के लिए मिट गई। और बोला महाराज अब तो, अभी तक तो हम अपने दुष्ट अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए ये पवित्र बाना बना के आए थे, अब हमारे ऊपर कृपा करो। पीपा जी महाराज ने कहा नाई बुलाया, इसका मूड मुड़वा दो, भद्र करवाया और भद्र करवा के विधिवत पंच संस्कार दे करके उसको शिष्य बना लिया, विरक्त शिष्य बना दिया, एक कुटिल विषयी जीव को सच्चा साधु बना दिया, ये भी भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा बन गया। ऐसे समर्थ महापुरुष श्री पीपाजी महाराज, बोलो श्री पीपाजी महाराज की। बहुत प्रसिद्ध दोहा है संत समाज का, क्या दोहा है, मन पंछी, मन पंछी तब लगे उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब तक आवे नाही, प्रेम बाज की झपट में जब तक आवे नाही। ये मनरूपी पंछी तब तक विषयों की उड़ान भरता है जब तक प्रेम बाज इस पर झपट्टा नहीं मारता, प्रेम बाज का झपट्टा मारते ही और बस इसकी उड़ान सदा सर्वदा के लिए मिट जाती है। एक विषयी का उद्धार, अब चार विषयी पुरुषों का और उद्धार सुनिए आगे के चरित्र में। सीता सहचरी जी साथ न रही होती तो इन विषयी जीवों का उद्धार कहां से होता। ये सीता सहचरी जी के कारण ही तो पीपा जी के चरित्र की इतनी महिमा बढ़ी। आहा, विषयी कुटिल चार साधु वेश लियो धारी, कुटिल चार साधु वेश लियो धारी, कीनी मनोहारी कहितिया नीज दीजिए, कीनी मनोहारी कहितिया नीज दीजिए, करिके श्रृंगार सीता कोठे माज बैठी जाए, करिके श्रृंगार सीता कोठे माज बैठी जाए, चाहे मग आतुर है अजू जाओ लीजिए, मगे आतुर है अजू आज भी, गए जब द्वार उठी नाहरी सुपारवे को, गए जब द्वार उठी नाहरी सुपारवे को, हार नहीं बानो जानी आयबती कीजिए, हरे नहीं बानो आयबती कीजिए, अपनो विचार ही अपनो विचारो ही यो कियो भोग भावना को, अपनो विचारो ही यो कियो भोग भावना को, मानी साच भय शिष्य प्रभु मति दीजिए, मानी साच भय शिष्य प्रभु मति दीजिए। चार कुटिल विषयी और आए साधु भेष धारी,
बड़ा बढ़िया साधु का भेष उन्होंने बनाया और आकर के महाराज वो सब से ताराम करते हुए आगे पीपाजी के स्थान में, पीपाजी ने सबको दंडोत प्रणाम किया, आओ महाराज आओ आसन धरो, स्वागत सत्कार किया। वे दो चार दिन रहे भी, इसके बाद बोले तिया निज दीजिए, क्या सेवा करें? बोले आप क्या करोगे, सीता सहसरी जी हमको दे दो, हमारे स्थान में जाके ये सेवा करेंगे। स्वामी जी हंसने लगे, बोले अच्छा वाह आपने बड़ी कृपा किया, तो पहले जाकर उनका दर्शन तो करो, वो तो चली जाएंगी, पर उनसे भी तो पूछ लो, उनका दर्शन करो जाकर के, कहाँ हैं? बोले वो कक्ष में श्रृंगार करके बैठी हैं, यहां श्रृंगार करके बैठी हैं। ये पीपा जी का कहना केवल यह व्यंजित करता है कि तुम जाकर दर्शन करो, तुम शोभा का दर्शन करने आए हो ना, तो तुम जाकर दर्शन करो। वे वहां जैसे ही पहुंचे तो वहां क्या देखा, एक भयंकर सिंहिनी ओ लाल आंखें करके गुर्राती हुई झपट्टा मारने दौड़ी। वो भगे, वो सब महाराज भेष तो बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था, पर किसी की लंगोटी खुल गई, किसी का चला फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सिर फूट गया, किसी की कोहनी टूट गई, एक ऊपर गद्द बद्द सब गिरने लग गए। चिल्लाए बड़ी जोर से, बचाओ 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 बचाओ। पीपाजी महाराज, सीता सहस्त्री जी शांत भाव से बैठी, दृश्य उनको ये ऐसा दिखा। पीपाजी ने उनको बिचारों को खींच खांच के बाहर निकाला, कहो क्या हुआ? वो बिगड़ पड़े, बोले महाराज ये सब आप, हम बड़े संत सेवी हैं और संत भगवान आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें, ये सब खाली नाटक रचते हो आप। हमको कहते सीता सहस्त्री जी वहां बैठी, वहां सीता सहस्त्री जी कहां? वहां तो तुमने भूखी शेरनी बिठा रखी है, वो तो भगवान जाने कैसे हम बच गए, खा गई होती हमको अब तक। यहां एक बात प्रियादासी ने कही है, गए जब द्वार उठी नाहरी सुफारीवे को, सुफारीवे को चिथड़े चिथड़े कर देने के लिए नाहरी दौड़ी, पर फाड़े नहीं, खाली डरा धमका करके गिरा दिया, फाड़ा नहीं, छुआ नहीं, क्यों? बानो जाने, बानो जाने, संत का स्वरूप देख करके उस नाहरी ने नहीं फाड़ा, नहीं तो फाड़ देते, फाड़ देती। आए मति खीजिए, पीपाजी से बोले, पीपाजी ने कहा श्री सीता सहचरी जी तो वहीं बैठकर माला फेर रही हैं, हमने कोई सिंघनी नहीं पाल रखी है, तुम्हारी जो दुर्वृत्ति है, तुम्हारी जो विषय बासित कलुषित वृत्ति है, वही नाहरी है, और वही वृत्ति तुमको समाप्त करने के लिए दौड़ी। तुम अपवित्र भावना लेकर सीता जी के निकट जा रहे थे, और कोई भी अपवित्र भावना वाला व्यक्ति परम साध्वी परम भक्ता सीता जी का दर्शन नहीं कर सकता। देखिए हमारे शास्त्रों में बड़ी विचित्र बातें हैं। उत्तंक नाम का ब्राह्मण ब्रह्मचारी जब अपने गुरुदेव के गुरुदक्षिणा को चुकाने के निमित्त कुंडल मांगने गया महारानी मदयंती के, तो वहां जाकर उसने राजा से कहा, महाराज हम अपने गुरु महाराज की दक्षिणा चुकाने के लिए रानी के कुंडल चाहते हैं। बोले जाओ ले आओ कुंडल। तो वहां महल में जब उत्तंक ब्रह्मचारी गया तो उसने क्या देखा, महाभारत की कथा है, वहां देखा कि वहां दासियां हैं, रानी है ही नहीं। तो लौटकर आया ब्रह्मचारी, उसने महाराज सौदास से कहा, कलमाशवाद जिनका नाम हुआ, तो महाराज सौदास से उसने कहा कि आप कह रहे थे कि महारानी भीतर हैं महल में, वहां तो रानी है ही नहीं, वहां तो दासियां हैं। महाराज बोले जरूर तुम्हारे चित्त में किसी भी प्रकार की अशुद्धि आ गई होगी, या तो चित्त में या वाणी में या मन में या शरीर में कहीं न कहीं कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण राजमहल में तुम्हें रानी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वह बड़ी भारी पतिव्रता नारी है, किसी अशुचि अवस्था में किसी जीव को दर्शन नहीं देती है। अब ब्रह्मचारी सोचने लग गए कि मैं त्रिकाल संध्या करने वाला, समिधा धान करने वाला, पूर्ण निष्ठा से वेद गुरु और अग्नि की उपासना करने वाला, परम पवित्र रहने वाला, मुझ में कौन सी अशुद्धि हो गई? तो विचार करते करते उनकी समझ में आ गया कि जब मैं मार्ग में आ रहा था तो
भूख से व्याकुल होकर हमने वृक्ष से गिरे हुए फल खा लिए थे, फल खाने के बाद आचमन नहीं किया, इतनी सी अशुद्धि हो गई तो महाराज एक पतिव्रता नारी का दर्शन नहीं हुआ। जो लोग शौचाचार को तिलांजलि देकर भगवत दर्शन की बात करते हैं तो ये कितनी उपहासास्पद बात है। शौचाचार की उपेक्षा करने से एक पवित्रात्मा तपस्वी वेदज्ञ ब्रह्मचारी ब्राह्मण को एक सती नारी का दर्शन नहीं हो सकता है, तो शौचाचार की मर्यादा का सर्वथा उल्लंघन करने वाले जीव उन्हें भगवत अनुभूति होगी कैसे। पिताजी ने कहा कि सीता जी का दर्शन साधारण जीव को नहीं होता है। अब तो वे समझ गए, जैसे ही स्वामी जी की बात मानकर रोते हुए गए, माता जी क्षमा करो, वहां क्या देखा, दिव्य प्रकाश पुंज में सीता सहचरी जी बैठी हैं, नाम जप रही हैं, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। उस प्रेममय स्वरूप का दर्शन करके वे गदगद हो गए, साष्टांग की आचरण रज मस्तक पर लगाई है। और श्री पीपा जी ने कहते सांच भय शिष्य, वे चारों विषयी भी अपना भेष, जो नकली भेष बनाए थे उसको छोड़ करके असली साधु हो गए। तो महाराज जितने खोटे खोटे थे ना, सबको सीता सहचरी जी और पीपा जी ने खरा साधु बना दिया। ऐसा अद्भुत इनका चरित्र है। अब एक बड़ा विलक्षण चरित्र कहा जा रहा है, गुजरी को धन दियो पियो दही संतन, पियो दही संतन, गुजरी को धन दियो पियो दही संतनी ने, गुजरी को दही दियो पियो दही संतननी, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दीन कारिके, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दीन कारिके, तेली को धुराय भैंसी सुर ने पे फेरी लायो, तेली को जीवायो भैंसी सुर ने पे फेरी लायो, गाड़ी भरी आयो तन पांच थोर जारी के, गाड़ी भरी लायो गे पांच थोर जारी के, कागज ले कोरियो करियो बनिया को सो करियो, कागज को कोरो करियो बनिया को सो करियो, भरियो घर त्याग तारी हत्या हूँ उतारी के, भरियो घर त्याग तारी हत्या हूँ उतारी के, राजा को औसेर भाई राजा को शेर भाई, संत को जी विभो दई, राजा को शेर भाई संत को विभो दई, लई चिठी मान गए श्रीरंग उदारी के, चिठी मान गए श्रीरंग उदारी के। अब ये इतना बड़ा कवित्त प्रियादास जी पीपा जी का चरित्र कहते 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 व्याकुल हो गए और ये बोले हम चरित्र कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा भक्तमाल तो इन्हीं के चरित्रों में भर जाएगी, तो ग्रंथ का कलेवर बढ़ जाएगा, क्या करें। बोले अब तक व्यास शैली में टीका कर रहे थे, अब उन्होंने समास शैली अपनाई, और वे महापुरुष व्यास को समास करना कितना अच्छा जानते हैं ये सीख लेना चाहिए इस कवित्त के माध्यम से। इस कवित्त में प्रियादास पीपा जी के बड़े बड़े 12 चरित्रों को कहा है। कितने चरित्र हैं? 12। अब एक एक चरित्र सुनाओ तो कितना समय लगेगा। सूची सूची कवित्त है, इसको भक्तमाली लोग सूची कवित्त कहते हैं। सूची कवित्त जैसे अंत में भागवत की सूची पढ़ दी गई ना, चिट्ठा सूची, ए भागवत ए भक्तमाल का सूची कवित्त है, पीपा जी के चरित्र का ये सूची कवित्त है। एक चरित्र हो गया, गुजरी को धन दियो पियो दही संतनी ने, गुजरी को धन दियो पियो दही संतनी ने,
श्री पिपाजी महाराज विराज रहे थे। ए इसी बीच में क्या हुआ, संत भगवान से पूछ करके पिपाजी भोग लगाते थे। पिपाजी ने कहा, संत भगवान आज रघुनाथ जी को क्या भोग पान आरोगने की इच्छा है। संत बोले, महाराज जी गर्मी का समय आ गया, चैत का महीना आ गया, गर्मी कुछ बढ़ गई है, बढ़िया चकाचक दही मिल जाता और उसमें खूब आड़े हाथ बूरा होता और फिर राम जी को भोग धराया जाता, फिर खूब चकाचक छूट पट्टी दही बूरा साधुओं को खिलाया जाता, महाराज आनंद आ जाता। पिपाजी समझ गए, संत भगवान की दही बूरा भोग लगाने की इच्छा है। ये गर्मियों का समय है ना, खीर पूरी का मौसम गया, दही बूरे का मौसम आ गया। हमारे यहाँ महाराज जब खाक चौक वाले महाराज जब दही बूरे की रसोई करना चाहते तो बड़ी तैयारियां होती थी उसके लिए। सुनने में तो लगता दही बूरा क्या है, दही बूरा, पर महाराज जी जब दही बूरा की रसोई करते, बुला करके बढ़िया दही, बढ़िया एक नंबर दूध मंगाते, निपनिया दूध, और दूध मंगा करके खूब उसको औटाते कड़ाही में, औटते 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 जे मोटी मलाई पड़ जाती, खूब बढ़िया गाढ़ा दूध हो जाता, फिर उसको पंखा चलवाकर ठंडा करवाते, फिर उसको बड़े बड़े परातों में जमवा देते, ऐसा दही जम जाता महाराज, क्या कहना, अब वर्णन करने से स्वाद तो आपको मिलने से रहा। पर वो बहुत एक नंबर दही जम जाता, पीला पीला सुंदर दही। और फिर किसी साधु को, एक पंडित जी उनको भेजते थे, प्राय जगन्नाथ पंडित जी को भेजते थे, जाओ हाथरस से बूरा लेके आओ। तो हाथरस का बूरा प्रसिद्ध है, दो तरह का बूरा हाथरस में बनता है, एक देसी बूरा और एक केमिकल वाला बूरा। तो देसी बूरे की विशेषता यह होती कि वो सफेद तो नहीं होता, थोड़ा ललामी लिए होता है, पर वो चाहे जितना आप खा जाइए उसमें हीक नहीं आएगी, जी नहीं मिचलाएगा। और जो सफेद केमिकल वाला बूरा होता है, वो बूरा आप खाएंगे तो मीठा भले ही अच्छा लगे, पर थोड़ी देर में जी मिचलाने लग जाएगा। वो जो बीरा बूरा होता, देसी बूरा, घोटा का बढ़िया रवादार, वो बूरा जी नहीं मिचलाने देता है, बढ़िया बूरा। फिर महाराज अच्छी सुंदर घी की पूड़ी, साग, दही और बूरा। महाराज कहते, पूड़ी साग कम फेरो, दही बूरा खिलाओ, दही बूरा फेरो, दही खूब 20-20।